सो हे व्हाट्स अप गाइस, यार कैसे हो आप लोग मेरे भाई। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपने हेयर्स को खड़े कैसे कर सकते हो। जी हाँ मेरे भाई, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने हेयर को खड़े कैसे कर सकते हो घर पर विदाउट हेयर जेल विदाउट हेयर वैक्स के, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो यार सबसे पहले मैं आपको भाई बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि भाई मेरी पहले वाली वीडियो पर भाई 1 लाख व्यूज़ हो चुके हैं यार, ऑलमोस्ट 1 लाख व्यूज़ हो चुके हैं। तो भाई उसके लिए बिग थैंक यू भाई आप लोगों को, क्योंकि भाई आप लोगों का सपोर्ट के बिना यार ये चीज़ मुश्किल थी। तो मेरे भाई इस चीज़ के लिए यार आपको बहुत सारा थैंक यू, और भाई समझ नहीं आ रहा भाई कितना थैंक यू बोलूँ आपके लिए, क्या करूँ। तो मेरे भाई फिर से यार आपके एक एक कमेंट के लिए भाई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं आप अपने हेयर को खड़े कैसे कर सकते हो विदाउट हेयर जेल विदाउट हेयर वैक्स के। तो मेरे भाई पहले वाली वीडियो पे यार कमेंट बहुत सारे बंदों के यार आ रहे थे कि भाई आप अपने हेयर खड़े कैसे कर सकते हो, हमारे तो नहीं हो रहे, आपके हेयर तो बहुत अच्छे हैं। तो मेरे भाई यार सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, हेयर्स खड़े करने के लिए भाई आपको भाई हेयर्स अच्छे होना जरूरी नहीं है भाई, हेयर्स सबके एक जैसे होते हैं। आप अपने हेयर्स की केयर करोगे तो भाई बहुत अच्छे हेयर्स आपके भी हो सकते हैं। तो भाई उसके लिए आप अपने भाई को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपका भाई यार हेयर की केयर करना बताता है, और भाई आपकी मर्जी है भाई आप करो या मत करो सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई आप यार हेयर की केयर करना चाहते हो तो भाई अपने भाई को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मेरे भाई नंबर वन पे बात करते हैं भाई आप अपने हेयर को खड़े कैसे कर सकते हो। तो मेरे भाई उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, अगर भाई नहीं समझ में आया तो भाई मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली है, उसको आप देख सकते हो, विदाउट हेयर जेल विदाउट हेयर वैक्स और विदाउट हेयर ड्रायर करके बताया। जी हाँ मेरे भाई, अब आप सोच रहे हो यार विदाउट हेयर ड्रायर कैसे कर दी, तो भाई उस वीडियो को यार फुल वॉच करना भाई, 10 मिनट की वीडियो है भाई, 10 मिनट में यार आपका कुछ नहीं जा रहा, 10 मिनट में मेरा भी कुछ नहीं जा रहा। आपके लिए यार वीडियो बना रहा हूँ तो भाई 10-15 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, उसको एडिट करके यार 10 मिनट की बना रहा हूँ, तो भाई उसको आप यार देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो और भाई आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और मैं रोस्टिंग चैनल बनाने वाला हूं, तो भाई बना लिया है वैसे, तो भाई आपको सब्सक्राइब करना है बस। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई उस चैनल पे हमारी रोस्टिंग आने वाली है, और भाई बहुत ही अच्छी रोस्टिंग करेंगे भाई, सबकी भाई फाड़ के रख देंगे। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं यार आपके हेयर्स खड़े क्यों नहीं होते। जी हाँ मेरे भाई, तो बेसिकली यार मेरे भाई कई बंदों को यार पता नहीं होगा, कई बंदे यार सोचते हैं भाई शैम्पू से भाई बाल खड़े होते, भाई तो भाई डेली यूज़ में वो शैम्पू करते हैं, तो भाई आपको यार ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। डेली यूज़ में आपको शैम्पू यूज़ नहीं करना, उससे यार आपके हेयर्स में वॉल्यूम नहीं रहता, आपके हेयर्स बिल्कुल सिल्की सिल्की हो जाते हैं। यार ये लाइट को क्या हो रहा है, चलो यार कोई नहीं हो जाएगा। तो गाइस यार आपको पहले बात तो यार सबसे ज़्यादा आपको शैम्पू यूज़ नहीं करना है, डेली यूज़ में आपको शैम्पू यूज़ नहीं करना है। अगर डेली यूज़ में आप शैम्पू यूज़ करते हो तो भाई आपके हेयर्स बिल्कुल सिल्की हो जाएंगे, आपके हेयर्स में वॉल्यूम नहीं रहेगा। जी हाँ मेरे भाई, अब आप सोच रहे हो भाई शैम्पू तो अच्छा होता है। जी हाँ मेरे भाई अच्छा होता है भाई, आप हफ्ते में या महीने में 2-3 बार यूज़ कर सकते हो। अगर हफ्ते में यूज़ कर रहे हो तो भाई 1 बार यूज़ कर सकते हो, महीने में यार 2-3 बार यूज़ कर सकते हो शैम्पू से, आपके हेयर्स अच्छे हो जाएंगे, बट आपको डेली यूज़ नहीं करना है। नंबर 2 पे आता है भाई आपको भाई हेयर कट। जी हाँ मेरे भाई, अब आप यार हेयर कट लेने जाते हो तो भाई आप यार अपने बार बार से कैसा भी हेयर कट करवा लेते हो। भाई यार मेरे हेयर्स आप देख सकते हो कितने अच्छे से मेरे हेयर्स अभी सेट है, और आप देख सकते हो आपको दिख रहा होगा भाई, अब मैं हेयर कट लेने वाला हूँ, और भाई नेक्स्ट वीडियो देख लेना आपको हेयर कट के साथ ही मिल जाएगी। और क्या पता यार मैं हेयर कट की वीडियो बनवा के डाल दूँ यार, तो भाई आप यार इस चीज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो हेयर कट की वीडियो देखने के लिए, मैं उसमें बता दूंगा हेयर कट कैसे करवा सकते हो आप। तो मैं भाई मैं गांव से हूँ यार, तो थोड़ा अलग लगता है भाई, हेयर कट की वीडियो नहीं डाल सकता। तो भाई आप देख सकते हो भाई आप अपने हेयर्स को भाई कभी भी आप जो आपका फोरहेड होता है इसके भाई आपको भाई ये हेयर्स आपको ट्रिम करवा लेने हैं, बाकी आपके भाई इधर से भाई ज़्यादा ऊपर नहीं लेने हैं आपको, यार इधर जिधर आपकी मांग निकलती है उधर भाई आपको हेयर कट करवाना है, और भाई उससे नीचे के आपको लो फेड करवानी है, और भाई आपके थोड़े हेयर्स को मीडियम साइज रखना या फिर भाई शॉर्ट हेयर रखना भाई, जिससे भाई आपके हेयर्स खड़े होने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 3 पे आता है भाई ऑयल यूज़। जी हाँ मेरे भाई, अब यार आप सोचते हो भाई ऑयल कौन सा लगाएं, तो मेरे भाई कभी भी यार आपको भाई कोई सा भी ऑयल नहीं लगाना यार, ऐसे भी भाई किसी भी ऑयल को यार अप्लाई मत किया करो कि भाई सस्ता मिल रहा है तो वो ले लो, सस्ता मिल रहा है तो वो ले लो। तो यार आपको भाई एक ही ऑयल यूज़ करना है, जो कि भाई कोकोनट ऑयल भाई मैं यूज़ करता हूँ, अपना भाई खुद रिकमेंड कर रहा हूँ, और आपके भाई की वीडियो में देख सकते हो यार मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करता हूँ भाई, ऑयल बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि भाई ऑयल से होता क्या है अपने हेयर्स भाई शाइनी लुक मिलता है, बट यार ऑयल से अपने हेयर्स इतने खड़े नहीं होते जितने भाई विदाउट ऑयल होते हैं। आप देख सकते हो यार मैं ऐसे हिलूंगा तो भी मेरे हेयर्स ख़राब नहीं हो रहे, क्योंकि भाई मैंने अपने हेयर्स में ऑयल नहीं लगा रखा, और आपको दिख रहे होंगे भाई गोल्डन गोल्डन हेयर्स आपको दिख रहे होंगे मेरे हेयर्स। तो भाई आप देख सकते हो यार आप अपने हिसाब से कर लेना, अगर आप लगाना चाहो तो भाई 2 से 3 ड्रॉप ले सकते हो भाई, कोकोनट ऑयल की ही लेनी है यार, आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ, कोकोनट ऑयल यार बहुत अच्छा ऑयल है और बहुत ही बेस्ट ऑयल है। तो मेरे भाई एक कमेंट यार बहुत ज़्यादा आ रहा था, और भाई मैं बहुत सारे बंदों के कमेंट पढ़ रहा था और भाई सबके रिप्लाई कर रहा था बेसिकली, बट यार वीडियो में मैं बता देता हूँ। कई भाई बोल रहे थे भाई आपके हेयर तो बहुत अच्छे हैं, आपके हेयर तो भाई झट से खड़े हो जाते हैं, हमारे नहीं होते। तो भाई उसके लिए यार आप यार देखा करो भाई, आप अपने हेयर्स को भाई केयर किया,
तो यार आप अपने हेयर्स की केयर कैसे कर सकते हो वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, जिससे यार आप अपनी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे और आप अपने हेयर्स की केयर कर पाओगे। तो यार प्रॉपर आपको अपने हेयर्स की केयर करना है, जिससे यार आपके हेयर्स भी भाई मेरी तरह बिल्कुल स्मूथ और बढ़िया हो जाएंगे, जिससे यार आप कोई भी हेयर स्टाइल आप अचीव कर सकते हो। नंबर फोर टॉपिक की बात अगर हम करें तो भाई नंबर फोर टॉपिक आता है भाई आपके हेयर्स खड़े क्यों नहीं होते। अब यार टॉपिक तो एक ही है बट यार मैं अलग अलग बता रहा हूँ आपको। तो भाई आपने कई बार सोचा होगा भाई आप करके देखते हो भाई मेरे तो हो जाते बट आपके नहीं होते, ये चीज़ मैं अब आपको बता रहा हूँ भाई बिल्कुल स्पष्ट आपको बता रहा हूँ, कोई भी भाई हैक नहीं है, बिल्कुल भाई ईजी बता रहा हूँ भाई, कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो अगर आप भाई परमानेंट आपके हेयर्स को एक ही साइड कर रहे हो और भाई दो साल के बाद आप इधर की साइड करोगे तो भाई आप सोचना मत भाई आपके हेयर्स एक दिन में हो जाएंगे। तो यार आपको उसके लिए करना क्या है भाई, आपको 4 से 5 दिन आपको अपने हेयर्स को अपोजिट डायरेक्शन में करना है, जिससे आपके हेयर्स में भाई अच्छा वॉल्यूम क्रिएट होगा और आपके हेयर्स को एक अच्छी लुक मिल पाएगी, आपके हेयर सेट होने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब यार आप 2-3 दिन करते हो और भाई आप सोचते हो कि भाई हमारे हेयर्स तो होने से रहे भाई सब फेक दिखाते हैं यूट्यूब पे, तो भाई यूट्यूबर फेक दिखाते होंगे, आपका भाई फेक नहीं दिखाता, आपकी यार बहुत हेल्प करता हूँ यार, आप इस चीज़ के लिए यार लाइक कर सकते हो। तो मेरे भाई आज की वीडियो में मैंने 4-5 टॉपिक आपको बताया, अगर आप इन 4-5 टॉपिक पे ध्यान देते हो तो भाई आपके हेयर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपके हेयर्स खड़े हो जाएंगे। जी हाँ मेरे भाई 5 से 6 दिन आपको यूज़ करना, अगर आप एक ही साइड बांधते हो तो भाई आपके हेयर्स को भाई अपोजिट डायरेक्शन में करो, 5 से 6 दिन आप देखोगे यार बहुत अच्छा आपको वॉल्यूम क्रिएट मिल जाएगा आपके हेयर्स में। तो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो मेरे भाई यार एक जानकारी आपके लिए मैं देना चाहता हूँ, मैं अपनी रोस्टिंग चैनल का न्यू चैनल बना रहा हूँ, तो भाई उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आएंगी उस पर बहुत अच्छी अच्छी रोस्टिंग वीडियो आएंगी उसकी मैं अपन सबकी लेने वाली है। तो गाइस यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टॉपिक आप दे देना कमेंट में, मैं वीडियो बना दूंगा।